प्रिंस, प्रिंस तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो, जी अच्छा, जी अच्छा, ठीक है, खुदा हाफिज। किसका फोन था? वो कबाड़ी का फोन था, वो कह रहा था चोरी के माल के आधे पैसे दूंगा। ये तो बहुत बुरी बात है। ये क्या आगे वही पूरे पैसे दूए आधे पैसे के अंदर वही पूरे पैसे? मैं ना तो पैसों की बात कर रही हूँ ना कबाड़ी की बात कर रही हूँ। तुमने कब से चोरियां शुरू कर दी हैं? किसने कहा तुम्हें से मैं चोर हूँ? पागल हो गई है? मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? चोरी करने जा रहा हूँ, बाथरूम में जा रहा हूँ। चोर को देखा है? नहीं देखा तो नहीं, उधर कमरे में चोर था। तुम अपने खामद को चोर समझ रही हो? फायदा, तुम्हारी तरह शहजादी का भी ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया है। क्यों, मैंने क्या किया है? अभी तुमने मुझे कमरे में नहीं कहा था कि मैंने आपको एक गिलास पानी पिलाया है, हालांकि मैंने किचन में जाके प्रिंस से पानी पिया है। क्यों प्रिंस, तुमने मुझे पानी पिलाया ना? मैंने तो नहीं दिया। इसका मतलब है लड़कियों की तरह तुम्हारा भी ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया है। तुम्हारे सामने भी मैं अंदर से आया हूँ, मैं तो किचन में गया ही नहीं था। इसका मतलब है फैजा ने आमिर भाई को नहीं किसी और को पानी दिया है। हाँ, और आमिर को पानी प्रिंस भाई ने नहीं किसी और ने दिया। इसका मतलब है कि घर में कोई है। यकीन भागूंगा कहां से? ऊपर से ये दोनों मेरे ऊपर बैठ गए हैं। अब क्या करें? मेरा ख्याल है हम लोग ना सुबह तक बैठकर यही इंतजार करते हैं। इस तरह तो मैं सुबह तक मर जाऊंगा। ये किसकी आवाज? लगता है चोर यहीं कहीं नजदीक है। भाईजान, मैं चोर, मैंने आपको पानी पिलाया और इनसे पानी पिया और एक अदद केला खाया। अच्छा, जितने पैसे बनते हैं मुझसे लो और दरवाजा खोलो ताकि मैं बाहर। एक मिनट,
अभी तुझे भगाते हैं। मारना चाहते हैं? हाँ। यहाँ पहले चोट लगी है, यहाँ पे मार उसको। फायदा देखा, मैंने एक ही बार से इसकी ये हालत कर दी, तो मैं क्या उससे प्यार कर पा रहा हूँ? मैंने मारा इसके डंडा, अगर मैं वो डंडा इसके सर में नहीं मारता ना, तो ये हम दोनों पे हमला करने लगा था। रहने दो बस, मैंने इसके सर पर डंडा मारा ना, उसकी वजह से बेहोश हुआ ये। हाँ फायजा, ये बात ठीक नहीं है, तुम तो हमेशा ही ऐसे करती हो। देखा, मेरे पास से गवाह भी है। मैं तुम्हारी गवाही नहीं दे रही, बल्कि मैं तुमसे शिकायत कर रही हूँ कि मेरे तो हर काम का क्रेडिट तुम ले जाती हो। अब तुम लोग चुप करोगे, मैं कोई काम की बात भी कर लूँ। किससे काम की बात करोगे भाई, वो तो बेहोश है। उससे मैं काम की बात क्यों करूंगा, वो मेरा मासी का पुत्र लगता है। मैं पुलिस को फोन करने की बात कर रहा हूँ। हाँ अमित, जल्दी से फोन करो, हेना न्यूज़पेपर पर हमारी बड़ी बड़ी तस्वीरें छपेंगी। हाँ। और नीचे बड़ा बड़ा लिखा हुआ आएगा कि लाहौर का एक खतरनाक चोर पकड़ा गया। कैसी कैसी मजाक बातें कर रही है। और भाई अभी नहीं, कल छपेगा। मुझे पता है, मैं वैसे ही अखबार देख रहा हूँ। हाँ अखबार देख सकते हो, पढ़ना तो शायद आपको नहीं आता। ये एक खबर पढ़ने वाली आ गई है, एक कार हादसे में एक नौजवान अंधा हो गया, कार ड्राइवर को 3 साल कैद और 3 लाख रुपया जुर्माना। मैं तो कहती हूँ उसे 3 साल की बजाय ना 30 साल की सजा होनी चाहिए थी। लो बताओ, बेचारा अंधा हो गया, जिंदगी कैसे गुजारेगा। छोड़ो यार इन बातों को, पुलिस को फोन करो। कोई है? जल्दी करो भाई, इतना अंधेरा क्यों है, कोई लाइट ऑन क्यों नहीं करता? बेल जा रही है, आवाजें आ रही हैं, मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा। कहीं तुम अंधे तो नहीं हो गए? भाई जाहिर है, जब वो कह रहा है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो बेचारा अंधा ही हो गया होगा ना। फोन क्यों बंद कर दिया? भाई मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लगता है मैं अंधा हो गया हूँ। कोई है जो पुलिस को बुलाए? हाँ मेरे नंबर मिला दी है। सबर करो, पुलिस आती होगी। अरे नहीं नहीं नहीं, पुलिस को नहीं, मैं तो डॉक्टर को मिला रहा था। डॉक्टर को, वो असल में ना डॉक्टर को 3 लाख रुपया दे के तुम। नहीं।